आगर यातायात पुलिस की चालानी कार्रवाई जारी, जिसके अंतर्गत दो पहिया वाहन, चार पहिया वाहन, तीन पहिया वाहन, गाड़ियों के कागज और चालक की लाइसेंस, बीमा आदि चेक किया जा रहा। कागज में कमी होने पर चालानी कार्रवाई की जा रही। यातायात पुलिस का कहना कि ये चालानी कार्रवाई इस तरह से लगातार जारी रहेगी। वाहन चालक और ट्रक वाहन चालकों के विरुद्ध और 31/12 तक कंटिन्यू ये अभियान रहेगा, दो पहिया वाहन चालक और ट्रक वाहन चालकों के विरुद्ध। कितना राजस्व वसूला हुआ है इसमें और कितने के चाव पर चालान निकाले? जून से अभियान शुरू हुआ है, इसमें 675 चालान तो दो पहिया वाहन चालकों के विरुद्ध बने हैं, जिसमें करीब 2,00,000 समय शुल्क है, और 215 चालान ट्रक वाहन चालकों के विरुद्ध बनाए गए हैं, जिसमें 1,00,000 समय शुल्क है। इस प्रकार से टोटल 800 के करीब चालान है और इसमें 3 से 3.5 लाख रुपये जुर्माना वसूल किया गया। इसके पहले भी आपने चालानी कार्रवाई चल रही है, उसके पहले कितना वसूला गया था आपने चालान? उसमें भी यही जो समय समय पे PDRI के जो अभियान रहते हैं ट्रैफिक अवेयरनेस को लेके, और जो डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट रहते हैं व्हीकल्स के, तो उनके विरुद्ध भी समय समय पे अभियान चलाए गए हैं। चूँकि लॉकडाउन की वजह से चालानी कार्रवाई में थोड़ा सा दिक्कत आती है, बट पिछले साल भी इसी प्रकार से 800-900 के करीब चालान और 3.5-4 लाख रुपये समय शुल्क वसूल किया गया। जो लोग यातायात के नियम का पालन नहीं करते उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? यही कि ट्रैफिक कोई भी छोटी सी घटना घटित हो जाती है, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि गाड़ी धीरे चला लेते या सारे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स रख लेते या मोबाइल पे बात नहीं करते, सीट बेल्ट लगा लेते, तो ये सारी चीज़ें जब घटना घटित हो जाती है उसके बाद कोई भी जनरल या आम इंसान या जो जनता है वो ये सोचती है, उसके बाद सोचती दुर्घटना घटित होने के बाद। लेकिन मेरा ये कहना है कि पहले से ही हम अवेयर रहेंगे, क्योंकि आज ट्रैफिक हर इस भागदौड़ वाली लाइफ में व्हीकल एक लाइफ का एक पार्ट हो गए, मतलब कि उसके बिना चलना बहुत मुश्किल है। लेकिन ये है कि उसे आप सारे जो भी नॉर्म्स रहते हैं, जो भी उनके व्हीकल्स के मापदंड रहते हैं कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स रखना है या लाइसेंस रखना है, इतने 18 वर्ष से कम उम्र की में अगर आप हैं तो आपको ड्राइव नहीं करना है और मोबाइल का यूज़ नहीं करना है, शराब पी के वाहन नहीं चलाना, ये सब चीज़ें अगर हम पहले से ही अवेयर रहेंगे तो इस प्रकार की घटना घटित नहीं होगी। आगर मालवा से फहीमुद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट।